काम यहीं से बन जाएगा, कहाँ से? एयरपोर्ट से। हम लोग तो हम यही गए, हमारा एहराम यहीं से बन जाएगा। तो एहराम बांधने के लिए जरूरी होगा, और अगर आपको बताई दिए तो हम यहीं के लिए खर्चा हाँ पता 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 लगा सर बोलिए वरना मतलब तो एहराम बांधने के लिए जरूरी है। जब मोदी एहराम बांधे तो अपनी काम थोड़ी सी चोरी कर ले, अपनी काम पूरी चोरी कर दे, चोरी करने के बाद में जो है ना इस तरीके से पूछने वाला है लड़का रहने इस तरीके से एहराम बांधे चोरी कर दे। इसमें फायदा क्या होगा आज को कि अगर हमने इस तरीके से एहराम बांध दिया तो हमने चलाने जाने का इस तरीके से कर लेंगे, जितनी हमारी टीम होती है इतनी कम से कम चौदह कदम एहराम बांध लें ताकि हमें चलने में परेशानी ना हो। ठीक है, हम एहराम बांधे उनके नीचे लड़के लड़के रहेंगे इस तरीके से, हम बांधने के बाद इस तरीके से इसको वो कर लें। और हमारे पास में पेड़ सौ की जो बेल्ट होती है शायद वो इसके ऊपर बांध लें। ठीक है, ये बांध दिया और एक एहराम होता है ये हम ओढ़ना है, ये हमें ओढ़ना है। ठीक है, ये ओढ़ना है इस तरीके से बस। और हमें जो है ना फ्लैट में जाना बैठ जाना है, हम जब फ्लैट में बैठ गए हैं तो हमारी सीट उसके ऊपर लिखी गई है, इधर से तो अपने अपने सीटों में बैठते हैं। और बाकायदा अगर हम रह जाए ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए जब तक स्टाफ जो है ना घूमना रहेगा उसके जरिए जब तक जो है भाई आगे जाने का, अगर एक पेशेंट भी एक कस्टमर भी रह गया है खाने की बहरहाल, तो हम वहाँ पहुँचने के बाद में चाहिए कि जब वहाँ पहुँच जाएँ हम मक्का के अंदर तो हम अपने साथ किसी को लेकर जाएँ जल्दी बता रहा हूँ। और ले जाने क्यों, इसलिए कि जब कागज़ पर पहली नज़र पड़ती है तो उस पर नहीं चाहिए और कीमती मानी भी नहीं चाहिए, उस वक्त जो दुआएँ मांगेंगे कबूल होगी। एक वो एक मांगने का अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना दे कि जो दुआ मांगूँ वो कबूल हो, जो दुआ मांगूँ वो कबूल हो। बहरहाल ये बांध दिया हमने, आहिस्ता तीन दिन के अंदर सारा आ जाएगा, हम वहाँ पहुँच जाएँ। वहाँ पहुँचने के बाद अगर यह हम ऐसे बांधते हैं चलाएँ जाते इस तरीके से रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम ये हज उम्र एहराम बांध रहे हैं तो हमें पहले तीन चक्करों में क्या करनी है, हमें पहले तीन चक्करों में रमन करना है। रमन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कदम रखेंगे पहलवानों की तरह रखेंगे, और पहले तीन चक्करों के अंदर हमें पहुँच जाना है यहाँ इस तरीके से सबके सामने, और हमें इस्तीफा करना है। पहले तीन चक्करों में क्या करना है, इस्तीफा, यानी कि दाहिने बगल के नीचे से एहराम निकाल लेंगे और बाएं कंधे पे डाल देंगे। ठीक है, जाएंगे मुमकिन हो तो यहाँ पहुँचने के बाद में इसको ये लेके चूमेंगे भोसा देंगे, अगर मुमकिन नहीं है तो वहाँ छड़ी से हाथों से इशारा करके इस तरीके से और बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर कह के वहाँ से तवाफ शुरू कर देंगे, और चलने के अंदाज भी होगा इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, और अपने जो है हज्जनों को अपना आगे रख लें, अपने हज्जनों को अपने आगे रख लें, इसलिए कि जो जोर लगता है वो पीछे से आगे को लगता है, अगलों वालों का जोर पीछे नहीं लगता। ठीक है, तो अपनी हज्जनों को अपने आगे कर लें ताकि हम पीछे से जोर थोड़ा बहुत आए उसको संभाल रहे हैं। ठीक है, और ये अगर हज्जन हमारी पीछे रहेगी तो पीछे जा सकती है, वो आगे रहेगी तो हम इससे आगे चलेगा ना, जब तक आप आगे निकल सकते हैं। बहरहाल अपनी हज्जनों को अपने आगे रखें और मुमकिन हो सके तो किसी सूडानी के पीछे ले जाएँ तवाफ करें, किसी सूडान वाले के पीछे तवाफ करें हम, क्योंकि वो हमारे लिए रास्ता खुद को खोलता चला जाएगा, बहुत सारे की जरूरत है। इस तरीके से तीन चक्करों में हम इस तरीके से छोटे छोटे कदम रखेंगे और यह है कि इस तरीके से हम तवाफ कर लेंगे। जब हम हर मरतबा जब यहाँ आएंगे ना तवाफ करें, ये क्या है, ये जो कहता है ये मुंतजिम कहलाता है, यहाँ मकाम इब्राहिम रखा हुआ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये हकीम है, हो सके तो तवाफ पूरा करने के बाद में यहाँ छोटा सा खुला हुआ है, यहाँ नमाज पढ़ना है। ठीक है, यहाँ ये जो है ना ये भी उम्र बीच का ही खाने बाबा की जगह खाली है, लेकिन कुरैश कौम के पास में पैसा नहीं था, उन्होंने छोटी इमारत कर दी थी, लेकिन ये भी उसके अंदर जाती है। और दुआ जो याद हो तीसरा कलमा चौथा कलमा वो पढ़ें, तवाफ के चक्कर में भी कोई दुआ हदीस शरीफ के अंदर ऐसी नहीं है जो अलग अलग चक्कर की दुआ हो। उसके बाद में जब हम चलते नहीं करते रहे हैं तो हजरे अस्वद से पहले जो ये कोना है ये रुकने यमानी कहलाता है, क्या कहलाता है, इसे दाहिने हाथ से छूना साबित है, सुन्नत है। क्या है, दाहिने हाथ से छूए और छूने के बाद में इसको बस कर देना, चूमना है जैसे ना बोसा देना है, और फिर यही आ जाए कि जो शुरू में जो अमल किया था वही अमल करें, यानी कि बिस्मिल्लाह अल्लाह पर उसको छूमें
हाथ से चूमे, छड़ी से चूमे और फिर शुरू हो जाए। इसी तरीके से पहले तीन चक्करों में इस तरीके से थोड़ा पहलवानों की तरह हल्के हल्के कदम रखने हैं, बाकी चार चक्कर में नॉर्मल की तरह रखने हैं। उसके बाद में जो आइंदा रहेगा इंशाल्लाह आइंदा हो जाएगा, उसको मुकम्मल कर लें। रुकने यमानी से लेके और यहाँ तक हमें तीन वो रब्बाना आतीना फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम, ये सुन्नत है, पढ़ना है, ठीक है। उसको ये पढ़ा लीजिए, बाद सुन्नत जन्नत माल अबरार या हिंदिया गफ्फार रहमति का मुस्तवी, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक यही दुआ साबित है, ये पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जब सात चक्कर हो जाए तो कुरान शरीफ के अंदर आया है कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, उसके बाद में दो रकात नमाज जो है तो आप